किसी भी गाड़ी की जब पेड सर्विस की बात आती है तो सबसे ज़्यादा उसके कॉस्ट के बारे में लोग सोचते हैं, और सोचना भी चाहिए कि आप कैसे उस कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं और एक बेहतरीन सर्विस करा सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने अपनी गाड़ी की पेड सर्विस कराई थी और उसका वीडियो मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ, तो बहुत से मेरे यूट्यूब की फैमिली और इंस्टाग्राम पे जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो मेरे से मैसेज करके पूछ रहे थे और कमेंट्स बॉक्स में पूछा था कि आपने वीडियो में जो बताया सर्विस कॉस्ट और जो आपको चार्ज किया है वो काफ़ी बढ़िया रेट में आपने सर्विस कराया, वो आपने कैसे कराया। मुझे तो इसने इस किसी का मैसेज आया कि 10,000 से 8,000 की कोटेशन दी है, किसी ने 12,000 की कोटेशन दी है, तो आपने इस सर्विस कॉस्ट को कैसे इतने कम में करा लिया। तो आज मैं आपको 6 बेहतरीन वो टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी सर्विस कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, कम रेट में करा सकते हैं। तो आज ये सर्विस कॉस्ट की जो टिप्स है ये किसी भी कार की कंपनी के लिए एप्लीकेबल है। जो न्यू ओनर हैं वो इस वीडियो को देखें और इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर और आप देख रहे हैं सुधीर रिव्यू चैनल। चैनल को लाइक करने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो नंबर वन टिप्स है वो है सेल्फ इंस्पेक्शन। आप अपनी गाड़ी की पेड सर्विस कराने से पहले, 10 दिन कराने से पहले, आप जब भी गाड़ी को ड्राइव करो उसे सेल्फ इंस्पेक्ट करो। आप गाड़ी को काफ़ी अच्छे तरीके से देखो, एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करो कि आपकी गाड़ी में क्या दिक्कत है और क्या कुछ ठीक कराना चाहिए। वो सारी चीज़ों को आप नोट डाउन करना स्टार्ट कर दो कि ताकि आप हर एक चीज़ के बारे में अवेयर हो सको, जिससे आपको सर्विस वाले आपको बेवकूफ़ ना बना सके और कुछ भी नहीं बोले कि आपकी गाड़ी में ये दिक्कत है, आपको ये करा लेना चाहिए। क्योंकि वो पेड सर्विस में वो जानते हैं कि आपको अपने जेब से मनी देना है, इसलिए बहुत सारे ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आपको पता नहीं होगा। इसलिए आप अपनी गाड़ी को खुद से देखें, खुद से इंस्पेक्शन करें कि क्या चीज़ें करानी है और क्या आपकी गाड़ी में दिक्कत है। सेकंड नंबर टिप्स है रीड ऑनर मैनुअल बुक। जो नई गाड़ी आप खरीदते हैं, जो इतनी मोटी सी ऑनर मैनुअल बुक मिलता है, उसे आप काफ़ी अच्छे तरीके से तो नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि बहुत सारी डिटेल दिए हुए, लेकिन जो सर्विस से रिलेटेड है, जिस पार्ट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी डिटेल में दी हुई होती है। तो काफ़ी डिटेल में दी हुई होती है, दो लैंग्वेज में आपको, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, तो आप जिस लैंग्वेज में आप उसको समझ सकते हैं उसे काफ़ी अच्छे से गो थ्रू करें कि ताकि आपको हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में, नहीं तो आप उस चीज़ के बारे में एटलीस्ट जान सके, जिससे कि आपको सर्विस के टाइम में अगर सर्विस वाले आपको वो चीज़ के बारे में बताते हैं तो आप उसे ये इजीली समझ जाएंगे कि वो आपको क्या करवाना चाहता है और ये इसका कराने के बेनिफिट क्या है। उस ऑनर मैनुअल बुक में हर एक चीज़ रिकमेंडेड क्या है, किसने पे क्या चीज़ें चेंज करनी चाहिए, और सारी डिटेल वो गाड़ी के कंपनी के तरफ से ही ऑलरेडी मेंशन होती है। हर एक कंपनी का ऑनर मैनुअल बुक होता है, उसके हिसाब से रिकमेंड किया जाता है। तो आप उस ऑनर मैनुअल बुक को एक बार ज़रूर गो थ्रू करें, आप जिस भाषा में उसे समझ सकें। नंबर थर्ड टिप्स है डू इट योर सेल्फ की मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, वो आई बटन में लिंक है, वो आप उसे देखें। डू इट योर सेल्फ में आपको 3 चीज़ें करनी होती हैं। आप अपनी गाड़ी की एसी का फिल्टर और एयर फिल्टर आप खुद से चेंज कर सकते हैं, बहुत ही इजी होता है। आप कहीं भी इंटरनेट पे या कैसे भी सर्च करके आप देख सकते हैं। आप अपनी गाड़ी की पेंट प्रोटेक्शन और शाइन काफ़ी मेंटेन कर सकते हैं, उसका आई बटन में लिंक है, आप वहां से जाइए और वीडियो को देखिए कैसे गाड़ी की पेंट प्रोटेक्शन करते हैं, कैसे चीज़ें खुद करते हैं, वो आप खुद कर लें। तो ये कहीं ना कहीं इस टिप से आप अपनी गाड़ी की कॉस्ट को, जो पेड सर्विस कॉस्ट है, वो मिनिमाइज कर सकते हैं। नंबर 4 टिप्स है यूज़ योर लोकल मैकेनिक्स। आप अपनी लोकल मैकेनिक्स के हेल्प से जो छोटे छोटे डेंट या कोई नट बोल्ट ढीला हो जाता है उसके हेल्प लेकर आप उसे ठीक करा सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये जो चीज़ें हैं वो लोकल मैकेनिक भी इजीली कर देता है और इससे आपकी वारंटी भी अवॉइड नहीं होती है। तो आप इसे सिंपली आप लोकल मैकेनिक से करा लेंगे और कहीं ना कहीं ये आपकी सर्विस कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर देगी, क्योंकि अगर आप ये डीलरशिप के थ्रू कराएंगे या सर्विस सेंटर वाले से कराएंगे तो इसका एक आपको चार्ज लगेगा, उसके साथ साथ एडिशनल GST भी आपसे वो मांगेगा और वो लीगल है, तो आपको वो कॉस्ट को कहीं ना कहीं इंक्रीज़ करता है। तो आप अपनी सर्विस कॉस्ट को कम करने के लिए जो छोटे मोटे चीज़ है जिससे आपकी वारंटी अवॉइड नहीं होती है, उसे आप लोकल शॉप पे या लोकल मैकेनिक जो ट्रस्ट करने लायक है और जिसे आप अच्छे से जानते हैं उससे आप मिलकर उससे गाइड कर लें और आप ठीक करवा लें, तो कहीं ना कहीं आप अपने कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर सकते हैं।
नंबर फिफ्थ जो टेक्निक है और टिप्स है वो है ऑलवेज डिनाइड एडिशनल एड ऑन सर्विसेज। कभी भी आप अपनी नई गाड़ी को लेकर जब आपकी खास करके फर्स्ट पेड सर्विस होता है या सेकंड पेड सर्विस, तो सर्विस वाले आपको काफ़ी बढ़िया से आपको पटाते हैं और बोलते हैं कि सर आप इस सर्विस के साथ ये कोटेशन करा लो, टेफ्लॉन कोटिंग करा लो या पेन प्रोटेक्शन करा लो, जिससे आपकी गाड़ी की शाइन बढ़ जाएगी और मेंटेन हो जाएगी काफ़ी बढ़िया। तो ये सारी एड ऑन फीचर्स जो हैं, या आपको ऑफर कर सकता है कि आप सिंथेटिक ऑयल ले लो या फुल्ली सिंथेटिक ले लो, ऐसे करके आपको एड ऑन सर्विस जो देते हैं उसको आप हमेशा डिनाई करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी सर्विस कॉस्ट को इनक्रीज करती है। जितना अच्छे से अपनी आप अपनी गाड़ी के बारे में जानेंगे उतना ही आप अपनी सर्विस कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें आफ्टर मार्केट बहुत ही ईजिली और बढ़िया प्राइस में मिल जाता है। तो ये आप एड ऑन सर्विस को कभी भी सर्विस सेंटर से ना ले। जो नंबर सिक्स टिप्स है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स है, वो है ऑलवेज आस्क योर कार डीलर और सर्विस सेंटर फॉर डिस्काउंट। सेंटर वाले से आप हमेशा ही आप डिस्काउंट की बात करें। कभी भी आप फर्स्ट पेड सर्विस कराने जाएं तो ये ना सोचे कि वो डिस्काउंट की मैं बात नहीं करूं क्योंकि मैं सर्विस सेंटर में आऊं। नई गाड़ी लेने के बाद लोग काफ़ी टेंशन में होते हैं कि नहीं पेड सर्विस कराऊंगा और वो कितना डिस्काउंट करेगा, और ये सस्पेंस सा जो बना रहता है उस बीच में आप हमेशा ही उससे बात करें कि मुझे कार की सर्विस पर डिस्काउंट चाहिए, और कहीं ना कहीं वो आपको छोटे मोटे डिस्काउंट देगा ही देगा, क्योंकि वो भी चाहता है कि एक कस्टमर के साथ एक बॉन्डिंग अच्छी हो। तो इसलिए आप उससे डिस्काउंट की बात करें। वो डिस्काउंट आपको लेबर कॉस्ट पे कर सकता है, आपको विल बैलेंसिंग और विल अलाइनमेंट जो है उस पे वो डिस्काउंट दे सकता है। कई बार आपको एक वैल्यू कस्टमर बनाने के पीछे वो अच्छे डिस्काउंट दे देते हैं, जिससे आप अपनी सर्विस कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। दूसरा टिप्स होता है कि आप जाने से पहले इसके इंटरनेट पे या साइट पे या उस डीलरशिप के साइट पे जाकर चेक कर लें कि क्या पेड सर्विस पे ऑफर चल रहा है। कई बार 20%, कई बार 30% जो डील होता है वो चलते रहता है, उससे पहले आप कॉल पे बात करें, और ऐसे करके आप अपनी सर्विस कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करना, और चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मेरी आने वाली ऐसे ही यूजफुल वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।